लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। अयोध्या धाम में कबीर मठ जैनपुर में शुरू हुए 3 दिवसीय सांप्रदायिक सायहार्द कबीर मेला में शुक्रवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 शैया कणीगंज अयोध्या ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। सर्वप्रथम चिकित्सा शिविर का उद्घाटन श्री कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति जैनपुर कबीर मठ अयोध्या के कार्यवाहक अध्यक्ष महंत उमा शंकर दास ने किया। चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा सतेंद्र ने शिविर में मरीजों का जांच किया और उन्हें परामर्श दिया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हजारों श्रद्धालुओं को दवा वितरण किया गया। इसके अलावा बहुत से लोगों का बीपी चेक हुआ। वही यायक प्रशिक्षिका महिमा उपाध्याय ने लायकाए काय यायक कराया और यायिका का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर स्टाफ नर्स किरण देवी वार्ड बॉय श्यामू यादव मौजूद रहे। कबीर सांप्रदायिक सौहार्द कबीर मेला, ये 3 दिवसीय कबीर मेला है। ये 11 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर को समाप्त होगा। इसमें प्रथम सत्र 9 से 12 बजे तक बीजक पाठ और प्रवचन, 2 से 5 बजे तक प्रवचन विचार गोष्ठी और सायं 5 बजे से मध्यरात्रि तक भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। कबीर मेला की शुरुआत 2005 में सदगुरु उदार साहब ने कबीर मेला अयोध्या की शुरुआत किया था। तब से ये कबीर मेला जैनपुर अयोध्या निरंतर जन सहयोग से लगातार चल रहा है। कबीर मेला अयोध्या पूरी दुनिया को मानवता, एकता, अखंडता, शांति का संदेश देता है, अमन चैन का संदेश देता है। क्योंकि दुनिया में हम कुछ भी हो, पहले मानव है, मानव मात्र एक समान। और इस दुनिया में अगर हम मानव होके जिएंगे तो दुनिया में शांति और एकता, अखंडता कायम होगा जी। इस कबीर मेले में आज जो हमारे मेले का उद्घाटन किया आचार्य विचार साहब, जो मघर के कबीर पंथ के आचार्य हैं, मघर के पीठाधीशर हैं, रामचंद्र वर्मा जी मुख्य वक्ता हैं। और इस तरीके से तमाम प्रदेशों से, कोने कोने से संत भगत यहाँ आए हुए हैं। लोगों के लिए भोजन भंडारे की सारी व्यवस्था कबीर मेला की तरफ से है। मेरा नाम प्रदास है, मैं कबीर धर्म मंदिर जैनपुर का वर्तमान अध्यक्ष हूँ।